हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने जा रहे हैं शुचिता प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड का सॉल्व स्कैनर ऑफ सीए फाइनल ग्रुप वन फॉर द पेपर वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। राइट, तो अभी देखते हैं इसको कैसा है, कैसे इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, इंड एएस के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूएशन होल्डिंग और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं एनबीएफसी एचआरआर वगैरह वगैरह। आईपीसीसी या इंटर लेवल तक तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करते थे और बहुत बढ़िया यूज़ करते थे। ये पूरा मतलब जितने मेरा फ्रेंड सर्कल था वो सब इसको मेरी तरह ही चाट के गया था बिल्कुल, और सबके वही 70-80 मार्क्स अकाउंट्स में आ जाते थे। कॉस्ट एफएम में तो हाँ आशीष कालरा सर की बुक ही बहुत रहती थी, उसमें तो ऑल दो नहीं यूज़ करा। लेकिन अब बात आती है सीए फाइनल की। सीए फाइनल में बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्कैनर को यूज़ करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट स्कैनर। पिछले 20 एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं इसके अंदर और इतने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रखे हैं, एकदम अपडेटेड तरीके से सॉल्व कर रखे हैं फॉर नवंबर 17 अटेम्प्ट। मतलब अभी ऑल दो मई 18 आने वाला है, मेरे फ्रेंड ने पिछले अटेम्प्ट के लिए लिया था और उसने ये पूरा करा था और अच्छे मार्क्स से वो पास भी हुआ, अराउंड 78 मार्क्स ही गॉट इन एफआर। तो अभी बात करते हैं मई 18 के लिए हम इसको कर सकते हैं। मैंने सोचा क्या नया लूँ, ऐसा तो कोई एफआर के अंदर बहुत बड़ी कोई अमेंडमेंट आई नहीं है, तो मैं भी इस बार इसको करके जाने वाला हूँ। 20 एग्जाम्स हैं इसके अंदर और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। इट इज मोर देन अ बुक, हमें पता है। तो ये है कुछ तरीके से, ये इसके अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, मतलब जैसे पीएम का फॉर्मेट है बिल्कुल वैसा। और कुछ क्वेश्चंस पेपर भी दे रखे हैं, मई 17, नवंबर 16, नवंबर 15 वगैरह वगैरह ये पेपर दे रखे हैं। अब लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत है, एक बहुत बड़ा ग्लिच है इसके अंदर, और वो ये है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो एक लेवल तक तो देखो ये बांटे हुए हैं कि ये 25 का है, ये 16 का है, ये 19 का है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना ये आपको मिलेगा नहीं। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। अभी जैसे कि कुछ एक में लिखना बंद कर देते हैं ये, जैसे अभी ये मई 17 के क्वेश्चन है तो इनके ऊपर नहीं लिखा होगा कि कहाँ से आया हुआ है, ये मेरे फ्रेंड ने लिखा था ये 15 से आया हुआ है या जैसे भी आया हुआ है। तो कुछ तक तो है, लेटेस्ट अटेम्प्ट का बेसिकली नहीं होता किसमें से लिखा है, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत भी होती है और वो दिक्कत क्या है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है इसको क्वेश्चन बेस्ड एज पर एस टू, और ये सॉल्व कर रखा है ये ऐसे ऐसे करके, ये इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। अब ये एस 20 का क्वेश्चन है लेकिन ये एस 2 के अंदर आ रहा है, तो ये थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। मतलब जैसे कि इन्वेंट्री देखा तो एस 2 में डाल दिया जबकि बाद में कुछ और निकला या कुछ, तो थोड़ी सी इस चीज़ में आपको दिक्कत हो सकती है। कोई चीज़ गाइडेंस नोट पर है तो उसको नहीं डालते ये लोग कि किसका है क्या है। बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा स्कैनर है, अल्टीमेट स्कैनर है बिल्कुल, आप कर सकते हो इसको। तो कुछ इस तरीके का है, 20 एग्जाम है इसके अंदर। पहले चैप्टर के अंदर जो थोड़ा सा ग्लिच है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में। प्राइस इसका कितना है, प्राइस एक बार देख लेते हैं। प्राइस है इसका 270 रुपये, लेकिन 270 का मिलता नहीं है, मतलब उससे सस्ता ही मिलता है। और ऑल दो यू कैन बाय इट ऑनलाइन, जिसमें आपको 5% का वो भी मिल जाएगा कुछ ऑफर वगैरह, ऑल दो मैंने इसे जाके लक्ष्मी नगर से खरीदा था। तो ये इतने का आता नहीं है, 270 का नहीं आता है, कुछ कम का आता है, मुझे ध्यान नहीं कितने का आता है, लेकिन इतने का नहीं आता, काफ़ी सस्ता मिल जाता है इससे। तो आप इसको ज़रूर इस बार अपने बुक्स में ऐड कर सकते हो करने के लिए। तो इफ़ यू, आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी अपडेट्स मैं लेकर आता रहूँगा, क्योंकि मेरा भी अटेम्प्ट है मई 18 में। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।